इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइस ग्रास होपर के बारे में, जो कि पैडी पेस्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है। राइस ग्रास होपर जो है ये होता है हाइरोग्लाइफस बैनियन। इसके अलावा हमने राइस के इंपॉर्टेंट पेस्ट के अंदर राइस फंदी बग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस राइस ग्रास होपर के बारे में डिस्कस करेंगे, अपकमिंग वीडियोस के अंदर जो और राइस के इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राइस ग्रास होपर की जो क्लासिफिकेशन है, जो सिस्टमेटिक पोजिशन है, इसका किंगडम एनिमेलिया होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा, क्लास इसकी इंसेक्टा होती है, ऑर्डर इसका आर्थ्रोपोडा एंड फैमिली इसकी एक्रिडिडे होती है। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन ऐसा टाइप का ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैडी ग्रोइंग एरियाज ऑफ इंडिया, लाइक ईस्टर्न यूपी, बिहार एक्सेट्रा, इन जो भी पैडी ग्रोइंग एरियाज है उनके सबके अंदर ये इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फूड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो राइस ग्रास ऊपर मेनली फीड ऑन राइस, मेनली राइस के ऊपर फीड करता है, लेकिन इसके कुछ अल्टरनेट क्रॉस्ट भी हो सकते हैं, यानी कि इसको अगर पैडी फील्ड राइस फील्ड ना मिले तो ये उनसे काम चला सकता है। अल्टरनेट होस्ट जैसे कि मेज, ज्वार, बाजरा, सुगर केन, अरहर, ग्रासेस इसके अल्टरनेट होस्ट हो सकते हैं। तो ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड प्लांट है। नेक्स्ट इसकी जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करें कैसा ये नजर आता है, तो जनरल अपीयरेंस के अंदर अडल्ट ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है ये, एक होपर होता है एंड अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, ठीक है, 5 से 7 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। प्रेजेंट देर आर प्रेजेंट 2 to 3 ब्लैक स्पॉट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स के आइदर साइड पे यहाँ पे इसके अंदर कुछ स्पॉट्स नजर आते हैं, 2 to 3 ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पे नजर आते हैं। नेक्स्ट इसकी हैबिट्स, क्या इसकी हैबिट्स हो सकती है? दिस इंसेक्ट हैव सिंगल ब्रूड इन ईयर, एक साल के अंदर ये एक ही ब्रूड गिव राइज करते हैं, एक ही बार ये क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। द अडल्ट होपर्स अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर रेन्स, और ये जो अडल्ट होपर्स हैं ये रेन्स के बाद, ठीक है, जो रेन्स होती है, बारिशें आती हैं उसके जस्ट बाद ही ये नजर आते हैं। द मेल डाइज आफ्टर कोपुलेशन, अब जब ये कोई नया इंसेक्ट या फिर कोई कोई नया ये होपर, राइस होपर पैदा होता है तो वो क्या करता है, उसके पैदा होने के साथ या फिर कॉपुलेशन के साथ ही मेल डाई कर जाता है, मेल एंड फीमेल के बीच में जो कॉपुलेशन होगी तो मेल डाई हो जाएगा तभी, एंड फीमेल डाई होती है आफ्टर ओविपोजिशन। अब ओविपोजिशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो ओविपोजिटर होता है, जहाँ पे इसके एग्स डिपोजिट होते हैं, एग्स को ले करने के बाद ओविपोजिशन के बाद ये भी क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। तो जैसे ही एक यंग होपर, एक जो एग्स है या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे एग्स ले किए जाएंगे, उसके साथ ही जो मेल एंड फीमेल है वो डाई हो जाएंगे, मेल पहले ही डाई हो जाता है पॉपुलेशन के बाद, फीमेल जो है वो आफ्टर ओविपोजिशन डाई होती है। The adults have long and hind legs for hooping. इसको hooping करनी होती है और इसकी hind legs जो है वो long होती है, उछलना होता है, कूदना होता है इसको, तो hook करना होता है, तो इसकी legs जो है वो hind legs वो लंबी होती है, जिसको help करती है। इसके बाद है इसकी life cycle. Life cycle की अगर हम बात करें, only one generation होती है एक साल के अंदर of the rice grasshopper, and इसके अंदर main reproduction occurs from June to October. June से लेके October तक इसके अंदर main reproduction यहाँ पे होती है। तो सबसे first stage यहाँ पे आती है eggs. Eggs जो होते हैं इसके अंदर, ये eggs ऐसे type के होते हैं, ये egg pod है एक। Eggs are laid inside the filled parts and in the masses. 30 to 40 eggs के masses होते हैं, mass के अंदर ये eggs ले किए जाते हैं by inserting her abdomen in the soil in September and November. September and November के time पे ये क्या करते हैं, ये eggs को ले करते हैं। तो ये fields के अंदर क्या करते हैं, हम abdomen को soil के अंदर घुसा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, एंड फीमेल क्या कर देती है, फिर एग्स को वहां पे ले कर देती है, और ये ऐसे एग पोड यहाँ पे एक बन जाता है, और ये होता है सितंबर एंड नवंबर के महीने में। द एग्स हैच आउट इन जून, इसके बाद एग्स जो है वो जून के अंदर एंड जुलाई के अंदर हैच आउट होते हैं ऑफ द फॉलोइंग ईयर, टिल देन द एग्स लाई डोर्मेंट,
इससे पहले एग्स जो है वो डोरमेंट कंडीशन में या फिर हम बोल सकते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में या फिर हम बोल सकते हैं वो हाइबरनेटिंग या फिर स्लीपिंग स्टेज में होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो डोरमेंट होती है। इसके बाद एक्स जो है वो निम्फ गिव राइज करेंगे, तो निम्फ जो होता है यहाँ पे द यंग न्यूली इमर्ज निम्फ आर ग्रीन कलर। अब जो एग से निम्फ इमर्ज हो गया है, न्यूली इमर्ज हुआ है अभी, वो ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है, एंड वोरासियस फीडर होता है, यानी कि एक नंबर का ये भूखड़ होता है, इसको जैसे जहां जो भी मिल रहा है ये बस खाए जा रहा है। The nymphs grow fully by September and undergo 5 to 6 molt. अब ये जो nymph है वो fully grow होता है September के अंदर by undergoing 5 to 6 molt. इसके अंदर 5 to 6 molts आते हैं जिसके बाद ये fully grown होता है nymph. They are similar to adult. These are similar to adult except wings are absent. Wings यहाँ पे नहीं होते हैं. Wings absent होते हैं nymph के अंदर. Otherwise ये more or less adult से मिलता जुलता होता है. इसके बाद next nymph के बाद 5 molt आएंगी यहाँ पे. Molts के बाद यहाँ पे adult बन जाएगा ये. और ये जो adult होता है इसके अंदर कैसा होता है? Wings पाए जाते हैं. The nymph changes into adult by end of September or by the early October. September के end में and October के starting में क्या हो जाते हैं? Nymph जो है adult के अंदर change हो जाते हैं. Adult start mating just after adulthood. और फिर adulthood के बाद just बाद ही mating करना start कर देता है. तो ये life cycle इसकी हो गई. Life cycle of rice hopper. एग्स होते हैं, एग्स जो है सोइल के अंदर डिपॉजिट किए जाते हैं, फिर वो डोरमेंट स्टेज के अंदर रहते हैं, फिर वो निम्फ के अंदर बनते हैं, निम्फ के अंदर 5 मोल्ड्स आती है, 5 मोल्ड्स के बाद वो फुली ग्रोन हो जाता है एंड फिर वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अडल्टहुड पास करेगा, उसके बाद वो मेटिंग करना स्टार्ट कर देगा, फिर से वो ये एग्स की राइज करेगा। तो ये जो है इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसके बाद ये कुछ डैमेज कॉज करता है, इससे कुछ कंट्रोल हो सकते हैं वो अगर हम डिस्कस करें, तो डैमेज की अगर हम सबसे फर्स्ट बात करें, द मेन डैमेज इज कॉज्ड बाय अडल्ट एंड निम्फ। अडल्ट एंड निम्फ दोनों के दोनों मेन डैमेज कॉज करते हैं, करते क्या है, ये लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, टेंडर शूट्स के ऊपर फीड करते हैं, न्यूली फॉर्म जो शूट्स हैं उनके ऊपर ये फीड करते रहते हैं, उनको डैमेज करते रहते हैं। If infestation is high, the plant is completely defoliated. अगर infestation बहुत ज्यादा high हो जाता है, बहुत ज्यादा इनका आक्रमण हो जाता है फील्ड के ऊपर, तो उस टाइम पे प्लांट जो है पूरा का पूरा डिफोलिएट हो जाता है, यानी कि सारे के सारे इसके जो पत्ते हैं लीव्स हैं उनको खा जाएंगे और प्लांट जो है बिल्कुल डिफोलिएट हो जाएगा। As a result, yield can be reduced by more than 50%. And इसके result में yield जो है उस field की वो 50% तक कम हो सकती है। इसके बाद इसे कुछ control measures है, तो control measures के अंदर insects should be manually collected and destroyed. कि insect को manually एक एक करके पकड़ना चाहिए, उनको destroy कर देना चाहिए। The affected field should be plugged 10 to 15 centimeter deep after harvesting to kill eggs. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ओवी पोजीशन से जो एग दिए जाते हैं वो सोयल के अंदर ऐसे डिपॉजिट किए जाते हैं, तो अगर प्लगिंग की जाए, हल चलाया जाए अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर गहरा, ठीक है, तो वो जो एग्स होंगे वो सारे के सारे उखड़ के बाहर आ जाएंगे, और सनलाइट से, मौसम से या फिर एक्सटर्नल फैक्टर से वो क्या हो जाएंगे, वो डाई ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा 0.02% डाई एड्रिन, 30% एड्रिन और 0.04% हेप्टाक्लोर, इसके अलावा एंड मिथाइल पैराथियोन आर स्प्रेड टू किल निम्स एंड अडल्ट। निम्फ एंड अडल्ट को किल करने के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स जैसे कि डाइएड्रिन, एड्रिन, हेप्टाक्लोर, मिथाइल पैराथियोन ये यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा 5% बीएससी डस्टिंग कैन कंट्रोल, ठीक है, 5% बीएससी भी इसके ऊपर डस्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स है कि या तो इसको मैनुअली पकड़ ले या फिर अच्छे से गहरी प्लगिंग की जाए, या तो कुछ पेस्टिसाइड्स है डाई एड्रिन, एड्रिन या तो हेप्टाक्लोर, मिथाइल पैराथियोन या फिर बीएचसी डस्ट किया जाए। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स है जिसके थ्रू हम इस राइस
होपर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने राइस होपर की लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल एंड डैमेज के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट राइस पेस्ट के बारे में, पैडी पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच।